बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम कुछ दिस इज इट गाइस इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज खत्म हुई 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया है साउथ अफ्रीका को सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया मैनेजमेंट इंडियन फैंस क्रिकेटिंग फैंस और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा अमेजिंग परफॉर्मेंस वन साइडेड परफॉर्मेंस थी क्योंकि साउथ अफ्रीका बिल्कुल भी खेल नहीं पाया टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल ही फेल हो गया था लोअर ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त खेला और कभी कभी ये लगता था कि ऐसे लोअर ऑर्डर की वजह से ही उनकी बैटिंग चल रही है अदरवाइज टॉप ऑर्डर ने तो बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए हिंदी में निराश किया है हाईलाइट ऑफ द टेस्ट सीरीज रोहित शर्मा 529 रन के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी रहे और थर्ड टेस्ट के मैन ऑफ द मैच भी रहे 254 विराट कोहली जो सेकंड मैच में उन्होंने किया था सर डॉन ब्रेडमैन का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़े 150 सबसे ज़्यादा बनाने वाले और उमेश यादव के 5 छक्के थर्ड मैच में जो संडे को उन्होंने किया वाह 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 5 छक्के क्या मारे उन्होंने 10 बॉल में 31 रन वो ज़बरदस्त हाईलाइट थी और उमेश यादव भी सोच रहा था यार मैं तो बस खेलने आया था लेकिन दिवाली से पहले ही मैंने पटाखे फोड़ दिए तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त टीम एफर्ट शहबाज नदीम अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा है आज सुबह जब गेम स्टार्ट हुआ उन्होंने 2 विकेटें भी ले ली हैं और 9 मिनट का मैच गेम हुआ है और 12 बॉलें डली और टीम बस गई फॉलो ऑन हुआ और उसके बाद 202 रन और 1 इनिंग से हारा है साउथ अफ्रीका अभी वो वापस जाएंगे तो सोचेंगे कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है और हम कहाँ कहाँ गलत हुए हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत जगह गलत है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग फील्ड प्लेसमेंट और डिसीजन मेकिंग आई थिंक कम्प्लीट मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई सिंक नहीं है टीम में यही हाल इस वक्त पाकिस्तान की टीम का है एम्बैरेसमेंट हुई थी जब श्रीलंका की जूनियर टीम ने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था T20 में वर्ल्ड की नंबर वन टीम थी उस वक्त तक अब तो पीछे हो गई है बस यही कर सकते हैं हम लोग बींग अ पाकिस्तानी उम्मीद है कभी जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बलबूते हम लोग कुछ अच्छा कर सकें लेट्स सी हाउ इट गोस तो सबसे ज़्यादा मुझे अमेजिंग इस सीरीज़ में रोहित शर्मा लगे जिन्होंने 529 का स्कोर किया थोड़े से पीछे रह गए वीरेंद्र सहवाग से 544 का उनका स्कोर था पाकिस्तान के खिलाफ बैक इन 2004 एंड 2005 में जब वो खेल रहे थे ज़बरदस्त सहवाग भी जो बोलते थे ना कि वो थोड़ा दिमाग का पैदल है जब शुरू होता है तो बस उसको रोकना नामुमकिन हो जाता है ही वॉज अ ब्रिलियंट प्लेयर इज़ वेल बट ही नेवर बीन अ कंसिस्टेंट रोहित शर्मा इज़ बीन कंसिस्टेंट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर T20 और वन डे में तो कमाल का प्लेयर था ही वो तो अपने आप को उन्होंने डिसिप्लिन किया और टेस्ट में जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है और उनकी बैटिंग में जो निखार आ रहा है आई थिंक ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो लॉन्ग वे टू गो तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया मोहम्मद शमी ने भी अच्छी बॉलिंग की शहबाज अच्छा प्रोस्पेक्टिस है इंडियन टीम के लिए विराट कोहली बहुत अच्छे तरीके से टीम को लेकर चल रहे हैं एक लग रहा है कि प्रॉपर यूनिट है और सब इंजॉय कर रहे हैं मैच और इसी तरह होना चाहिए जब तक पूरी टीम इंजॉय ना करे सिंक ना हो यूनाइट ना हो आप कोई भी मैच नहीं जीत सकते ये तो आई थिंक कॉमन सेंस की बात है और मैसिव कंग्रेचुलेशंस जो इंडिया की क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट हैं जिसमें रवि शास्त्री भी है और तो दादा भी बन गए हैं प्रेसिडेंट गंगोली भाई तो वाह बहुत ज़बरदस्त उनके डिसीजंस जा रहे हैं उनकी फेवर में जा रहे हैं और इंडिया इस वक्त टॉप में चल रही है अपना बेस्ट फेज ऑफ क्रिकेटिंग हिस्ट्री आई थिंक इंडिया का चल रहा है इस वक्त तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि आई एम अ क्रिकेटिंग लवर ये नहीं कि पाकिस्तानी हो तो मुझे इंडियन नहीं पसंद या इंडियन क्रिकेट नहीं पसंद नफरत करनी चाहिए हेट करनी चाहिए बिल्कुल नहीं स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को साइड पर रखो और स्पोर्ट्स को जो है ना हमेशा बियॉन्ड द बॉर्डर सोचना चाहिए बियॉन्ड द बॉर्डर दैट्स इट गाइस मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कंग्रेचुलेट करना आप लोगों को और बहुत मज़ा आया आई होप कि आइंदा भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिले आई थिंक अभी बांग्लादेश से सीरीज स्टार्ट होने वाली है देखते हैं किस तरह चलती है और पाकिस्तान जा रहा है ऑस्ट्रेलिया बहुत सख्त और हार्ड
किस्म का टूर होता है जब भी ऑस्ट्रेलिया का होता है, लेकिन अगर उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल जाएँ तो खिलाड़ियों में बहुत निखार आता है। तो आई एम होपिंग के जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है वो भी अच्छी ही जाए और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये जीत किस तरह से लगी और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.